अभी तक की जांच में जो पता चला है उसके अनुसार बीरभूम की घटना राजनीतिक हत्याकांड है जो टीएमसी नेताओं की आपसी रंजिश का अंजाम है, लेकिन बीजेपी ने इसे राज्य की कानून व्यवस्था से जोड़कर ममता बनर्जी से इस्तीफा भी मांग लिया है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की डिमांड भी की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बाद अब बीरभूम में घटना से प्रभावित गांव के पॉलिटिकल दौरे भी शुरू हो चुके हैं। आज बीजेपी नेता वहां पहुंचे, कल ममता बनर्जी वहां पहुंचने वाली हैं। यानी बीरभूम में जिंदा जला दिए गए 8 लोगों की मौत पर अब राजनीतिक तवे चढ़ने शुरू हो गए। बीरभूम में मारे गए 8 लोग जिस हिंसा और नफरत की आग में जले हैं, उस आग में अब सियासत के शोले भी भड़क उठे हैं। एक तरफ बीजेपी ममता सरकार पर आग बबूला हो रही है तो टीएमसी भी इस आग में घी डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस तरीके की हिंसा की घटना सारे बंगाल के आम लोगों को दिल को पीड़ा दे रहे हैं। तो ये हमारे बंगाल के ये नजारा सिर्फ बंगाल के नए सारे हिंदुस्तान में अब फैल चुके हैं। जो बंगाल में मां माटी मानुष की सरकार कहते हैं वो मां माटी मानुष की नहीं, वो दस्युओं का ये मतलब ये दानवों का सरकार है, वह मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं। इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वेयर सम पर्संस लॉस्ट देयर लाइव्स। द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड एक्शंस। बीरभूम के जिस हिंसा प्रभावित गांव से लोग डर के मारे जान बचाकर भाग रहे हैं, वहां आज नेताओं का तांता लग गया। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी का 5 सदस्यों का दल क्राइम सीन पर पहुंचा तो टीएमसी और बीजेपी में ठन गई। इसी तनातनी के बीच बीजेपी सांसद शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले की एनआईए जांच की मांग कर दी। यस, सीबीआई को आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए और एनआईए को आना चाहिए। एक्सप्लोशन हुआ है, ये एनआईए की टीम को तुरंत इसको ले लेना चाहिए। ये बिग एक्सप्लोशन है, सीट पे भरोसा नहीं है, सीट पूरा पूरी ये सरकार को संरक्षण देगा और ममता बनर्जी उसकी सरकार जो चाह रही है वही करेगी सीट। बीरभूम में जो हुआ वो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के खस्ता हाल का जीता जागता सबूत है। पहले तो बम फोड़कर टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई और उसके बाद घरों में आग लगा दी गई, 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। इस हत्याकांड की जांच से ज्यादा तेजी से तो सियासत हो रही है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग के राउंड चल रहे हैं। कंसिडरेबली पेंड एंड डिस्टर्ब्ड एट द हॉरिफाइंग बार्बरिटी एट रामपुर हाट दैट अकॉर्डिंग टू द डीजीपी हैज ऑलरेडी क्लेम्ड 8 लाइव्स। This is indicative of nose diving of law and order in the state. I have emphasized on several occasions that we cannot allow the state to be synonymous with violence culture and lawlessness. Eta bangla eta uttar pradesh noy ami o team party chilam hatrashe amar mp der dhukte dewa hoyni আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল আমি টিম পার্টি ছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উন্নাও তো টিম পার্টি ছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। এটা হচ্ছে আমাদের সহমর্মিতা এবং এটা হচ্ছে আমাদের সহযোগিতা। আর এখানে হাঁচলেও চলে যাচ্ছে কোটে। बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही है, लेकिन ममता बनर्जी भी बैकफुट पर जाने से बचने के लिए बीजेपी को हाथरस उन्नाव की याद दिला रही है। बीजेपी नेताओं के बीरभूम दौरे के बाद अब गुरुवार को ममता बनर्जी भी बीरभूम जा रही हैं। कांग्रेस फिलहाल घटना की कड़ी निंदा करके ही काम चला रही है। मैं तो कल सदन के अंदर ये मुद्दा उठाई थी, ये घिनौने काम, मतलब मान लीजिए कि इस तरीके की दहशतगर्द बंगाल में आज की तृणमूल की सरकार में हो रहे हैं, जहां 8 महिला 2 बच्चे आग के हवाले करके उनको जिंदा जलाए गए थे। बीरभूम हिंसा पर सियासत की ज्वाला की लपटें अब संसद तक भी पहुंच चुकी हैं,
जहां बीजेपी ने बीरभूम हत्याकांड पर शोक प्रकट करते हुए ममता सरकार पर क्रोध प्रकट किया। इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात वो कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, टीएमसी के लीडर इसमें जुड़े हुए हैं और उनको अरेस्ट करना होगा और उनको जेल में डालना पड़ेगा क्योंकि 12 आदमियों की जान गई है, पश्चिम बंगाल के सिटीजन का, नागरिक का जान गई है और उनका कीमत ऐसा नहीं है कि टीएमसी कर रहा है मतलब आप जला सकते हो। बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का लंबा चौड़ा खूनी इतिहास रहा है, लेकिन बीरभूम हत्याकांड पर सियासत इस कदर हावी हो चुकी है कि इस केस की साफ सुथरी जांच के लिए कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा है। Tomorrow the matter will be taken up again at 2 p.m. to see whether the investigation is progressing in the earnest manner because we have said that there has been no investigation progressing in the right direction and hence this case should be handed over to an independent investigating agency. फिलहाल इस मामले की जांच के लिए ममता सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है जिसने अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इस घटना का पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। बीरभूम से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।